हाँ यारिन, आप लोगों का स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज मुझे ब्लॉग नया बनाते हुए बनाना पड़ रहा है क्योंकि भैया आपकी डिमांड इतनी ज्यादा आ गई है। मतलब मैं अभी शाम का टाइम है और भैया मंदिर पर भजन चलने शुरू हो गए, तो आपको बैकग्राउंड की थोड़ी बहुत वही साइज के लिए मैं पहले ही सॉरी मांग लेता हूँ आपको। देखो आज मैं आपको डिस्कस करने के बताने वाला हूँ, जो एक टेक्निकल अमृत भैया ने वीडियो डाला है ना, उसमें ऐसा तो हमने क्या ही कर दिया कि बोल रहे ये फेक है या फिर मतलब फेक तो नहीं, ये काम नहीं करेगा ऐसा बोला है उन्होंने। अब भाई काम नहीं करेगा तो लोग है वो अपने चैनल पर पोस्ट ऐसे तो डालते नहीं है। अब उन्होंने एक और बता दिया कि भाई पोस्ट वायरल नहीं होगी इतनी ज्यादा डालोगे तो। देखो कहीं ना कहीं उन्होंने है ना जो दो तीन रीजन बताए थे वो सही इफेक्ट वो वर्क करते हैं, लेकिन मेन रीजन था ना वो उन्होंने बताया ही नहीं। और बताया तो था, बस थोड़ा सा उन्होंने लिया था उसको, और वो भी किसी और का उदाहरण लेके, क्योंकि वो अगर अपना उदाहरण लेते ना तो हम उन सभी को हेट करना शुरू कर देते। तो मैं नहीं चाहता कि हम उनको हेट करें या फिर आप हमें हेट करो, तो मैं आपको ऊपर ऊपर की बात बताऊंगा, आप मतलब अंदर से अपने आप समझ लेना। देखो बात ऐसी है कि हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर है 100, 200, 500, 1000, 5000, इससे ज्यादा मेरे हिसाब से तो नहीं है। मैंने कॉन्टेक्ट किया उनके मैक्सिमम 5000 सब्सक्राइबर है, अब इनके पूरे लगभग 60,000 सब्सक्राइब। अब ये अपने साथ मतलब एक कोलैब ही हो जाता है एक टाइप का ये। अब ये कोलैब कैसे कर लेंगे अपने साथ, मेन रीजन ये था। और उन्होंने समर एक्सपेरिमेंट का उदाहरण लेके हमें समझा भी दिया था, समझने वाले समझ गए। अब देखो बात यहां पर क्या आ रही है कि भाई आपका सब्सक्राइबर बेस ज्यादा है, मतलब हमें यहां तक जाना पड़ेगा जिनका मतलब हमारे सब्सक्राइबर बेस कम है ना, तो हमें वहां तक जाना पड़ेगा अच्छे से काम करके अपने कंटेंट के दम पर, ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं। अब भाई देखो मैं आपको बता देता हूं कि अगर पोस्ट से वायरल नहीं होते ना तो भाई लोगों की पोस्ट की पोस्ट वायरल होती है। अब इन्होंने कह दिया भाई एक दिन में मात्र 3 ही पोस्ट वायरल हो सकती है। अब इसका मैंने तो आज तक मतलब 4 साल का एक्सपीरियंस है मेरा यूट्यूब के ऊपर, और इनका भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इसीलिए हम इनसे मतलब मानते हैं जो भी ये बोलते हैं वो हाँ सही बोलते हैं, इन्होंने फैक्ट के आधार पर ही बोलते हैं, और इनका भी एक्सपीरियंस है। देखो इनके एक्सपीरियंस से मेरा एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ही होगा क्योंकि इन्होंने ज्यादा काम किया यूट्यूब पर। अब देखो बात यहां पर, मैंने तो आज तक किसी भी यूट्यूबर से ऐसा नहीं सुना और कोई भी गाइडलाइन में ऐसा नहीं सुना कि भैया एक दिन में मात्र 3 ही पोस्ट वायरल होती है। अब भैया ऐसा इन्होंने कैसे ही कह दिया, इन्होंने एक्सपीरियंस के आधार पर कहा था, ऐसा नहीं कि इन्होंने बताया था कि वहां पर लिखा हुआ है, तो इन्होंने एक्सपीरियंस के आधार पर कहा था तो भाई 3 ही पोस्ट वायरल हो सकती है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। खैर मैं ट्राई करूंगा 3 से ज्यादा पोस्ट डाल के और अपने चैनल पर देखते हैं कितने मतलब लाइक वाइक वो पता चल जाएगा पोस्ट वायरल हुई है या फिर नहीं, कितने इंप्रेशन गए हैं। एंड अभी मैं आपको बताता हूं कि भाई मेन रीजन क्या होगा जिसके कारण हमारे जो ये ट्रिक है ये फेल कर दिया। तो इन मेन रीजन तो मैंने आपको बता दिया, वो हो गया सब्सक्राइबर बेस का, भाई हमारा और इनका कोई लगा देगा नहीं है, ये हमसे मतलब 60 गुना आगे है, अब हमें वहां तक जाना पड़ेगा अपने कंटेंट के दम पर। अब बोलोगे तो भाई हमारा सपना तो सपना ही रह गया। दोस्तों ये सपना तब साकार होगा जब हम सभी एकजुट होकर मेहनत करेंगे। अब एकजुट होकर अब पोस्ट डालेंगे तो भैया पोस्ट वाला तो सिस्टम ही कट हो गया, क्योंकि उन्होंने जितने भी लोगों को समझाया ना, वीडियो ना उन्होंने 10 मिनट की बनाई है और 10 मिनट में अगले वाले को जो भी है जिन्होंने भी ये ट्रिक सुनी है ना उनका माइंड सेट ही चेंज कर दिया उन्होंने। मतलब अभी इस ट्रिक के बारे में मुझे नहीं लगता कि लगभग लोग है वो मना ही करेंगे भैया ये ट्रिक नहीं चलेगी, क्योंकि उन्होंने फैक्ट बता दिया, अपना एक्सपीरियंस बता दिया, और कहीं ना कहीं सही भी था उनका एक्सपीरियंस। लेकिन हमें उनसे वो चीज सीखनी है जो उन्होंने बताई है कि भैया एक चीज वो बता के चले गए वीडियो में, आपने गौर किया हो उन्होंने बताया कि भैया CTR और उनका एवरेज व्यू ड्यूरेशन दोनों बता के चले गए। अब उस CTR तक हमें कैसे भी करके वीडियो लेके जाना है, एंड एवरेज व्यू ड्यूरेशन 3 मिनट से ज्यादा, CTR 10 से 12%, उन्होंने कहा आप जाके वीडियो देख लेना, मतलब आपको मतलब समझ आ जाएगा सारी चीज, पसंद आए या फिर ना आए वो तो आगे की बातें हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये चक्कर रह गया सब्सक्राइबर बेस का, कहीं ना कहीं हमको खुद को मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अब बोलोगे तो भाई हम तो मतलब जो भी मेरे पास यूट्यूबर है उनके कमेंट आए कि भाई कब तक ट्रिक लागू करोगे, तो उनका तो सपना टूट गया। तो मैं आपको बता दूं आपको मैं टाइम टाइम पर सपोर्ट करता रहूंगा, एंड आप भी मेरा सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि मैं अभी तक इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हुआ कि कहीं ना कहीं आपका जो सब्सक्राइबर बेस है वो पूरा इंक्रीज कर दूं। लेकिन हाँ जो मेरे से बना वो मैं आपके लिए करने की ट्राई करूंगा। आप कोई भी मतलब जो कल से परसों से बहुत सारा मैसेज आ रहे हैं जो वीडियो अपलोड किए ना कि भैया हमारा चैनल चेक करो, तो देखो मैं लगभग चैनल चेक करके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ जहां तक मुझे पता है। देखो मैं ऐसे झूठे गप्पे तो मारता नहीं कि भैया पोस्ट वायरल नहीं होगी, वीडियो वायरल नहीं होगी, लेकिन हाँ जो मुझे आता है उतना मैं आपको रियल बताता हूँ। और देखो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, भैया मेहनत ही करनी पड़ेगी, खुद के दम पर ही अपन को आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक बात उन्होंने सही कही थी कि जब YouTube भेजता है ना तो किसी पोस्ट की कोई जरूरत नहीं होती, बिल्कुल ये बात एकदम सही है। देखो अपने चैनल पर जाके देखना, अभी लगभग 15 से 20 दिन पहले अपनी सारी वीडियोज वायरल है, वायरल का मतलब ये नहीं कि लाखों में, लेकिन हाँ अभी आ रहे हैं ना उससे ज्यादा है कहीं ना कहीं। उस दिन मतलब उन दिनों में क्या था कि एक कूलर के ऊपर वीडियो चल रही थी बर्फ बनाने वाली फ्री एनर्जी की, और कहीं ना कहीं वो एक गियर मोटर चल रही थी, मतलब काफी वीडियोस चल रही थी, तो उनके अंदर मैंने ना कोई पोस्ट किया फिर भी आज से ज्यादा व्यूज आ रहे थे। लेकिन जो मैंने
बनाई थी ना ट्रिक वाली, उसको काफी भाइयों ने पोस्ट किया लेकिन फिर भी उस पर व्यूज डाउन। मतलब पोस्ट से होगा कुछ नहीं, एक मतलब थोड़ा सा हो सकता है कि हाँ इंप्रेशन बढ़ सकते हैं अपने वीडियोस के, इसलिए मैं कह रहा था। बट कोई दिक्कत नहीं, हमने तो एक मैसेज सेंड किया और उसका रिप्लाई भी आ गया और रिप्लाई कहीं ना कहीं हमसे रिलेट भी कर गया। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और आई होप आपका आपको रिप्लाई मिल गया होगा कि उन्होंने क्यों इसको मना कर दिया, उसका मेन रीजन मैंने आपको बता दिया है। अब मैं ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा। तो चलिए हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, कल जो प्रोजेक्ट आएगा ना एकदम कमाल का आएगा, मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा, इतना भयंकर प्रोजेक्ट बनाया मैंने और यहीं पर पड़ा हुआ है, आपको दिख जी ना जाए। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, कल शाम को 5 बजे अपना प्रोजेक्ट आ जाएगा। प्लीज दोस्तों कंप्लीट तक वॉच कीजिएगा वीडियो को, बहुत मेहनत करके बनाया, 5 दिन की मेहनत है और ऐसी वीडियो आई है जो लाखों की है और मैंने छोटे लेवल पर इसे तैयार किया है। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और मैंने एक ब्लॉग चैनल भी ओपन किया है जो किसके लिए, ओनली एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि वहां पर मैं सर्च करके देखूंगा मतलब कौन सी वीडियो वायरल जाती है, क्या क्या टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन वो सारी वहीं पर मैं चेक कर रहा हूँ कि कैसे कैसे हमें लगाने चाहिए। तो जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और हम मिलते हैं कल नए प्रोजेक्ट के साथ, कमाल का प्रोजेक्ट होगा उसके साथ। तब तक जय हिंद जय भारत। वो भाई पूरा पसीना छूटने लग गया।